नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। दोस्तों इस वक्त नेपाल से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं श्री राम जन्मभूमि और असली अयोध्या को लेकर पहले भी भारत और नेपाल के बीच में काफी चर्चाएं हो चुकी है। इसके अलावा असली अयोध्या कहां पर है, नेपाल में है या भारत में है, इस पर भी दोनों देशों के बीच में ये विवाद बहुत दिनों तक चला था। हालांकि ये विवाद अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उनका दावा है कि श्री राम जी की असली जो अयोध्या है वो नेपाल में है न कि भारत में, और वो अपने दावे से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल के आ रही है कि नेपाल में राम मंदिर बनाने के लिए और अयोध्या का निर्माण करने के लिए भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियां नेपाल में पहुंच चुकी है और जल्द ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक मास्टर प्लान के तहत नेपाल में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। तो क्या है पूरी खबर और वो मूर्तियां कहां पर पहुंचाई गई है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि इस चैनल पर हर दिन एक से बढ़कर एक खबरें आप तक पहुंचती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बीते मंगलवार को काठमांडू से माड्डी के लिए भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियां लाने के लिए एक टीम को भेजा था और ये टीम बुधवार लगभग दोपहर 3 बजे तक माड्डी ये मूर्तियां लेकर पहुंच चुकी है और मूर्तियां लाने वाली ये टीम देवघाट धाम में ठहरी थी और देवघाट में इन मूर्तियों को काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के पानी से लाया गया और माड्डी ले जाया गया। इसके अलावा नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भानु भगत ढाकल चितवन में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और बागमती राज्य के मुख्यमंत्री डोरमनी पोडेल और राज्य के मुख्यमंत्री राजेश अहिराज ने भी माड्डी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि माड्डी, अयोध्यापुरी और चितवन में एक राम धाम बनाने की पूरी योजना चल रही है और उन्होंने कहा कि राम धाम बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो इन मूर्तियों को नेपाल में पहुंचाया गया है उन्हें एक अस्थायी मंदिर में रखा जाएगा। इसके अलावा अयोध्या धाम प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष है तीर्थ भूषाल, उन्होंने कहा कि नेपाल में राम मंदिर बनाने के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इस प्लान के तहत नेपाल में 20 या 22 महीनों में नेपाल का एक भव्य मंदिर बनाकर पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद इन मूर्तियों को उसी मुख्य मंदिर में रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अयोध्यापुरी में कृष्ण नगर गार्डन में राम धाम बनाने के लिए 100 बीघा जमीन भी खरीद ली गई है और इसमें अयोध्या मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो मूर्तियां अब नेपाल पहुंचाई गई है उनको एक अस्थायी मंदिर में रखा जाएगा और इस अस्थायी मंदिर का निर्माण में जितना भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार देगी। तो दोस्तों नेपाल में एक भव्य राम मंदिर और अयोध्या धाम बनाने के लिए नेपाल एक पूरी तरह से मास्टर प्लान तैयार कर रहा है और इस मास्टर प्लान के तहत लगभग 2 सालों से कम समय में ही नेपाल के अंदर एक भव्य राम मंदिर और अयोध्या का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या राय है, असली अयोध्या नेपाल में है या फिर भारत में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।